अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 18 ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 13, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, एक्सरसाइज नंबर 13A। ओके क्लास, कल हमने एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की क्या स्टेटमेंट है? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ड्रा मेजर एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, टेक अ पॉइंट ए ऑन ओ पी सो डैट ओ ए इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, नो फ्रॉम ए ड्रा अ लाइन परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। ओके क्लास, इस क्वेश्चन में फर्स्टली हमें बोला हुआ है कि हम एंगल ड्रा करें 80 डिग्री का। एंगल ड्रा करते हैं। एंगल ड्रा करने से पहले सबसे पहले हम एक रे ड्रा करेंगे ओ क्यू, ठीक। फिर आपने अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से सेट करना है कि इसका सेंटर वर्टेक्स ओ पे आए और ये स्ट्रेट लाइन ओ क्यू पे आए, ठीक। इस तरह से हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमारा 80 डिग्री बन रहा होगा वहाँ तक डॉट लगाएंगे। नाउ क्लास, सेट करने के बाद हमारा इस पॉइंट पे 80 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और फिर इस डॉट को हम वर्टेक्स ओ के साथ ज्वाइन कर लेंगे। एंगल हमारा 80 डिग्री का ड्रॉ हो गया। साथ साथ हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रा एन एंगल। अभी जो हमने स्टेप किया है उसको लिखेंगे, ड्रा एन एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, ओ पी के ऊपर आप एक पॉइंट लें ए, ठीक है, और ए की लेंथ होनी चाहिए 2.4 सेंटीमीटर। उसके लिए हम 2.4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे, ठीक, और देन ओ को सेंटर कंसीडर करते हुए हम ओ पी के ऊपर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को हम जहाँ पर उसने ओ पी को कट किया है इस आर्क ने, इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे ए का, ठीक। इस तरह से ओ ए की जो हमारे पास लेंथ है वो अब हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। स्टेप लिखेंगे, टेक अ पॉइंट ए ऑन ओ पी सच डैट ओ ए इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि आप ए से ओ क्यू पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है। ए से ओ क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ओ ए ओ क्यू लाइन सेगमेंट को या रे को हम एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद उसका स्टेप लिखेंगे, ठीक। एक्सटेंड द रे ओ क्यू बियॉन्ड ओ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम अपने कंपास को सूटेबल रेडियस का ओपन करेंगे, ठीक, और फिर ए को सेंटर कंसीडर करते हुए ओ क्यू पे एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। इस तरह से आर्क ड्रा करेंगे। और ये रे कट कर रही है, ये आर्क कट कर रही है लाइन सेगमेंट ओ रे ओ क्यू को एट पॉइंट एम, ठीक है, यहाँ पर, और एट पॉइंट एन। स्टेप लिखेंगे, टेक ए एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस विद द हेल्प ऑफ कंपास विच मीट ओ क्यू एट पॉइंट एम एंड एन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम अपने एम को सेंटर कंसीडर करते हुए यहाँ पर एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक, और फिर एन को सेंटर कंसीडर करते हुए इस आर्क को कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद जहाँ पर दोनों आर्क मीट करेंगी उसको नाम दे देंगे टी का। और स्टेप लिखेंगे, टेकिंग एम एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रा एन आर्क, टेकिंग एन एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस, कंपास को अपने बंद नहीं करना, जितना ओपन किया हुआ था उतना ही ओपन रहने देंगे, विद द सेम रेडियस ड्रा एन अदर आर्क टू कट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट टी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम पॉइंट ए को पॉइंट टी के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन टी टू ए, उसका साथ स्टेप लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, दस ए टी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, हमने ए से ओ क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रा करना था, तो ए से ओ क्यू पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, लाइन ओ ए टी, ठीक है, ए टी हमारी परपेंडिकुलर है लाइन रे ओ क्यू के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू
ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट ईच एंड ऑफ पी क्यू ड्रा आर लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू आर दिस टू लाइन्स पैरेलल। फर्स्टली हमने क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है पी क्यू ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर की। लाइन ड्रा करते हैं हम 5 सेंटीमीटर तक की, यहाँ तक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला हुआ है उन्होंने कि पी क्यू के दोनों एंड्स पे, ठीक है, एट ईच एंड ऑफ पी क्यू आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें। ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर कौन सी होगी, लाइन परपेंडिकुलर पी क्यू कौन सी होगी, वो वाली लाइन जो पी क्यू के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन वही होती है ना जो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसका मतलब है हमने पी क्यू के इस वर्टेक्स पे भी हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और इस वर्टेक्स पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम पी पे रखेंगे, ठीक है, एक ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल या हम ड्रॉ करेंगे आर्क। आर्क ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर उस आर्क ने पी क्यू को कट किया वहाँ पर रखेंगे उस पॉइंट पे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। ये हमारे पास एंगल होगा 60 डिग्री का। ठीक, उसके बाद हम इस पॉइंट पे रखेंगे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, ये एंगल हो गया 60 एंड 60 120। ठीक है, हमने ये भी 60 डिग्री है, हमें इस 60 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करना है। इसका मतलब है इस एंगल को यहाँ से यहाँ तक हमें इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अब हम इस सेकंड पॉइंट पर रखेंगे और इस आर्क को कट करेंगे। कट करने के बाद जहाँ पर वो मीट कर रही हैं आर्क, उसको नाम दे देंगे हम एम का। ठीक, और इस एम को हम पी से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, और ये लाइन परपेंडिकुलर होगी पी पे। ठीक है, साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाएंगे, ड्रा लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब जिस तरह से हमने पी पे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है उसी तरह से हम क्यू पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, हम कंपास को यहाँ पर सेमी सर्कल ओपन करें ड्रा करेंगे। ठीक है, सेमी सर्कल या आर्क ड्रा करेंगे। ठीक, और जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है एंगल 90 डिग्री का वैसे इधर करेंगे। यहाँ पर हम इस पॉइंट पर रखेंगे, आर्क ड्रा करेंगे, ये एंगल हमारे पास हो गया 60 डिग्री। फिर यहाँ पर रखेंगे और नेक्स्ट फर्दर हम ड्रा करेंगे, वो एंगल हो जाएगा 120। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस पॉइंट पर रख के आर्क लगाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ये वाले पॉइंट पर रख के, पहले इस पे और फिर इस पे रख के आर्क लगाएंगे जैसे हमने यहाँ पर ड्रा किया है। जहाँ पर दोनों आर्क मीट कर रही हैं उसको एन का नेम दे देंगे। ठीक, और फिर पॉइंट एन को पॉइंट क्यू के साथ हम ज्वाइन करवा देंगे। उसके बाद हम स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप टू क्या था हमारा, ड्रा परपेंडिकुलर बाय मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट पी एंड ड्रा परपेंडिकुलर बाय मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट क्यू विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। नेक्स्ट हमने बताना था क्या ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। जी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर पी और क्यू यहाँ पर अगर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इसके इस दोनों लाइंस के हर पॉइंट के दरमियान में डिफरेंस 5 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ से अगर आप मेजर करेंगे तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर मेजर करेंगे यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं। ठीक, पैरेलल लाइंस वो वाली लाइंस होती हैं जिसके हर पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस एक जितना होता है। ठीक है, इसका स्टेप लिखेंगे, यस द टू परपेंडिकुलर लाइंस आर पैरेलल। ठीक, ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज नंबर 13A का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और डोजिंग टेबल ऑफ 17 लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।